अगला प्रश्न हमारा कहता है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा, पहला क्या है? वसा। तो वसा मक्खन और घी में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। यदि आपके शरीर में वसा की कमी है तो आपको मक्खन और घी का सेवन करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरा कहता है मंड। मंड आलू में और आटा में मौजूद होता है। जिस आलू की सब्जी आप प्रतिदिन खाते हैं और आटा जिसकी रोटी आप खाते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में मंड मौजूद होता है। यदि आपके शरीर में मंड की कमी है तो आप आलू और आटा का सेवन कर सकते हैं। अब हमारा कहता है आहारी रेशे। आहारी रेशे किस किस चीज में पाई जाती है? मूली में, गाजर में, पत्ता गोभी के सलाद में और हरी पत्तेदार सब्जियों में। ये सभी चीजें हैं, इसमें आहारी रेशे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रोटीन। तो प्रोटीन आपको दाल में प्राप्त हो जाएगा, मांस में प्राप्त हो जाएगा, मछली में प्राप्त हो जाएगा, अंडे में प्राप्त हो जाएगा और बहुत सारी ऐसे और खाद्य पदार्थ है, हरी साग सब्जी और कुछ साग है, पालक वगैरह के, जिसमें प्रचुर मात्रा में आपको प्रोटीन प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आप दाल, मांस, मछली, अंडा इत्यादियों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर के अंदर मौजूद प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी।